हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर गॉड। मैं हूं सुमित। गाइस, आज मैं बनाने वाला हूं, पता नहीं वो यम्मी सी चीज आपके लिए है या नहीं है, मेरे लिए तो बहुत ही यम्मी सी चीज है। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं, आप मूली के पत्तों का भैया क्या करते हो? सबसे पहले तो ये बताओ, फेंक देते हो गए? या मेरी एक रेसिपी भी है मूली के पत्तों के पराठा, है ना, या आप वो भी बना सकते हो। या आज हम बनाने वाले हैं मूली के पत्तों से डोसा, बहुत ज्यादा हेल्दी डोसा है। जो लोग बार 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 मेरे को पिन करते हैं कि आप कोई हेल्दी रेसिपी नहीं डालते, ये उनके लिए। चलो फटाफट हम अपने रेसिपी देखते हैं। पीनट चटनी के साथ में मैं इसे खाऊंगा। मूली के पत्तों का डोसा बनाने के लिए सबसे पहले अपने डोसा बैटर के लिए तैयारी देखते हैं क्या क्या करनी है। गाइस, ऐसा चाय वाला कप हमने ले लेना। ऐसे चाय वाले कप से डेढ़ कप आप अपना नाप ले चावल, और आधे से भी आधा कप हमने लेना है क्या, सफेद उड़द दाल। ठीक है, सफेद उड़द दाल आधा से भी आधा कप, यानी कि क्वार्टर कप, मतलब वो वाला क्वार्टर कप नहीं, यही चाय वाला आधा से आधा कप, और डेढ़ कप है चावल। इसे मैंने ओवरनाइट भैया सोक किया हुआ है। अब मैं इसे ग्राइंड करता हूँ अच्छे से। अब ये ग्राइंड हो चुका है, अब इसके अंदर में थोड़े से पानी की जरूरत है, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, लगभग आधा से भी आधा कप। दैट्स इट। अब ये देख गाइस, बिल्कुल अच्छा से पेस्ट बन गया। पेस्ट को अब मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा। दो हिस्सों में क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि एक हिस्से का मैं और कुछ बनाऊंगा और उसकी वीडियो अगली बार। अब गाइस, मूली के पत्ते हमने कितने लेने हैं? मूली की ये देखिए, तीन मूली के ऐसे मैंने पत्ते लिए हैं। ऐसे ये इसके डंठल टाइप के आप मत ले, सिर्फ पत्ते पत्ते हमने लेने हैं। लगभग एक मुट्ठी में आ जाए इतने पत्ते हैं। अब इसे ऐसे रफली तोड़ के डाले एक मिक्सर में। अब हमने इसे ग्राइंड करना है। अभी ग्राइंड नहीं हो पा रहा है अच्छे से। अब हम इसमें पानी डालेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें मैंने अपना वाटर डाला है। अब हम इसे अपना एक वाला, एक कटोरी वाला बैटर में इसे अब मैं डाल दूंगा। ओ वाव, अब हम नमक डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने अपना नमक डाला है, सॉरी 1/2 टीस्पून इसमें मैंने अपना सॉल्ट डाला है, 1/2 टीस्पून। अब गाइस, तवे को अच्छे से एक बार ठंडा कर ले पानी डाल के, मैंने आपको सिखाया था ना लास्ट वाली वीडियो में, उसके बाद में हमने इसे बनाना है। अब एक बार इसे डाल दे, थोड़ा थोड़ा जब ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ऑयलिंग कर दे ऑलिव ऑयल से, हेल्दी अगर बनाना चाहते हो तो। गाइस, अब ये रेडी है उन लोगों के लिए जो सिंगल साइड पका हुआ खाते हैं, लेकिन मैं डबल साइड खाता हूँ, इसलिए अब मैं इसे डबल साइड एक बार पकाऊंगा। हाई फ्लेम के ऊपर में हमने ये वाला अपना काम करना है। दैट्स इट, अब ये पक चुका है। ओ ओ ओ ओ, चेक करते हैं। यस, क्योंकि अब आप लोगों ने इसकी रेसिपी देख ली हुई है, मूली के पत्तों का डोसा। इसका जो नेम है वो अब मैं इसका भैया नेम क्या रखूंगा, इसका नेम रख देते हैं मूली के पत्तों का डोसा, यही रखेंगे और क्या, रेडिश लीव्स डोसा ये भी रख सकते हैं, या ग्रीन डोसा कैसे रखूंगा, ग्रीन डोसा बहुत ही सारे मैंने रखे हुए हैं। तो इसी बार ने इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मैं थोड़ा बातों बातों में बोल ही देता ये चीज, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल का जो नेम है वो यहाँ पे वीडियो में कहीं ना कहीं नीचे ऊपर कहीं ना कहीं लिखा हुआ आपको आ जाएगा। और एक और चीज, और इसे सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लोगे, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। टिल नाउ, बाय बाय, एक और न्यू रेसिपी के साथ में जरूर आऊंगा। बाय।